बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ, सरवे पाकिस्तान लिमिटेड। इसका भी मैंने तकरीबन एक साल पहले ही एनालिसिस किया था, जब ये काफ़ी नीचे प्राइस की ड्रॉप हो रही थी धीरे धीरे करके, और ड्रॉप होके तकरीबन 35 रुपये तक आ गई थी। तो उस यही वजह थी उसकी, मैं आपको बता दूँ उसकी वजह ये थी कि इसकी सेल बढ़ रही थी लेकिन प्रॉफिट कम हो रहे थे। पहले तो हम ये देख लें, इसका जून एंड है और इसका जो फ्री फ्लोट है वो मार्केट में 50% है। तो आ जाते इस तरफ हम आ जाते हैं, देखें यहाँ पर जो है ये 17 अरब का 2022 में जून का ये फाइनल रिजल्ट है। तो 17 हज़ार का 17 अरब का तकरीबन यहाँ पे ये जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसमें फिर 2 अरब का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसकी बनिस्बत देखें तो 2023 में सेल्स काफ़ी हुई है। टॉप लाइन अगर देखें तो 21 अरब रुपये के तकरीबन यहाँ पे सेल्स हुई है, रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन 30 करोड़ का खाली प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से देखें तो हम यहाँ पे तकरीबन जो प्रॉफिट का रेशियो था वो 11.78% था। ठीक है, और सेल्स कम थी, लेकिन सेल्स इंक्रीज हुई है लेकिन प्रॉफिट का रेशियो कम हो गया है, जिसकी वजह से इसकी ईपीएस में इफेक्ट आया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 11.78% सर मैंने आपको पहले बताया, और इस साल में मतलब अभी जो फाइनल ईयर है, अभी अभी जो रिजल्ट आने वाला है 2024 का, उस पर भी देखेंगे, डिपेंड करता है इसके फ्लक्चुएशन पे कि आगे ये क्या परफॉर्मेंस देता है, अपनी डाउन साइड पे आता है, वो भी आपको मैं टेक्निकल के हिसाब से बताऊंगा कि वो जो है एक चैनल चल रहा है उसको ब्रीच करता है या आगे वाले ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। तो अभी इस वक्त देखें तो यहाँ पे 11.78% प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे 1.39% का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं इसकी टेक्निकल की तरफ, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, टेक्निकल अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसी साल मई में जो है इसकी सैरले कंपनी जो है, इंटरनेशनल कंपनी जो है जिसकी शेयर होल्डिंग इसमें 100% थी, वो ड्रॉप कर दिया, उसने वो डिस्पोज कर दिया अपने 100% शेयर जो सैलरे पाकिस्तान में थे। तो वो एक मेजर शेयर होल्डर था, फिर इसके बाद इंटरनेशनल ब्रांड ने भी जो है वो डिस्पोजल शुरू कर दिया इसके बाद। तो इसमें हम अभी तो देखें, वैसे तो हमने गिरावट देखी बगैर किसी न्यूज़ के, यहाँ पे इस तरफ अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इसने ये लो किया था, इसके बाद जब इसने यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन शुरू की तो इसी एक्यूमुलेशन के दौरान जो है यहाँ पे न्यूज़ आना शुरू हो गई और अभी तक इसी बैंड में परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मैंने इस वक्त वैसे तो मोमन में CPR का चैनल बनाता हूँ, लेकिन अब इसमें जाहिर सी बात है फ्लक्चुएशन इतनी है नहीं, तो इसी को हम CPR ही कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि CPR का जो अपर बैंड है वो तकरीबन 62 रुपये 70 पैसे से लेके 65 रुपये 66 पैसे तक है, ये थोड़ा सा बड़ा बैंड हो गया है। ठीक है, और जो लोअर बैंड है वो तकरीबन 51 रुपये 85 पैसे से लेके 50 रुपये तक है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब मिडिल बैंड जो हम इसको यहाँ पे कहीं पे भी ले लें, यहाँ पे इसको मिडिल बैंड हम ले सकते हैं, यहाँ पे ये इसको मैं मिडिल बैंड यहाँ पे ये बना देता हूँ, इसका 56 रुपये 76 पैसे तक इसका मिडिल बैंड है। ठीक है, इसको मैं कलर भी डिफरेंट दे देता हूँ। ठीक है, ये 56 रुपये 76 पैसे इस वक्त ये एक नैरो बैंड में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम सबसे पहले ऊपर की तरफ से आते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसने, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं ताकि आपको पता चल जाए, यहाँ पे इसने सिमिकट एक चैनल चलता हुआ आ रहा था यहाँ पे ट्रेंड लाइन का। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये इसने यहाँ से क्रिएट करना शुरू किया था 210 रुपये से, ये 26 फरवरी 2018 यहाँ से इसने ये 2000 यहाँ पे ये नया जब ये लो किया था इसने यहाँ पे 154 रुपये का, यहाँ पे ये बता दूँ ये 154 रुपये का जब इसने लो किया था, इसके बाद इसने ये हाई किया था यहाँ पे ये, ठीक है, 210 रुपये का। ठीक है, अब इसके बाद से जो यहाँ पे ये कि चैनल फॉर्म शुरू हो गया, मतलब चैनल जब भी फॉर्म होता है जब ये लोअर हाई बनाता है कोई भी स्टॉक, तो ये लोअर हाई यहाँ पे इसने बनाया एक, फिर इसके बाद ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई करते 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 इसने एक चैनल इस तरह, फिर यहाँ पे ये इसने ये लो किया यहाँ पे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक और ये वाला। ठीक है, इसने लो किया, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, 71 रुपये 65 पैसे का, फिर यहाँ से इसने मूवमेंट अपसाइड मूवमेंट दिखाई। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसने ये एक और लोअर हाई बनाया, फिर ये नीचे आया। अब यहाँ पे देखे इसने ये यहाँ पे थोड़ा मेंटेन किया। ठीक है, यहाँ इसमें एक चैनल बनाया, साथ साथ लोअर हाई के साथ साथ लोअर हायर लो भी बना रहा था।
तो ये बनाता है सिमेट्रिकल ट्रेंगल, ठीक है। तो अब ये सिमेट्रिकल ट्रेंगल बन रहा था तो यहाँ पे काफी उम्मीद थी कि इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर ब्रेकआउट मिलता तो फिर ये अगेन ही वापिस यहाँ पे इस वाले 312 रुपए तक, या 280, तो ये जो 280 का जो इसने हाई किया था 262 से लेके 280 तक, ये इसका हाई था, इसको भी रीटेस्ट कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने यहाँ पे ये ब्रेक किया इसको, ठीक है। यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया, देखें यहाँ पे ये काफी डोजीज यहाँ बनते रहे, छोटी कैंडल भी बनी है, डोजीज भी बने हैं, या देखें यहाँ पे डोजी बना, लेकिन ये चैनल को ये ब्रीच किया इसने 7th of Feb 2022। फिर इसके बाद जो है ये नीचे की तरफ आता रहा, ठीक है। ये वही वकेन इसने ये लोअर हाई करता हुआ ये स्टॉक, फिर ये यहाँ यहाँ पे देखे नहीं, यहाँ पे नोज डाउन किया इसने ये, फिर ये होता हुआ यहाँ पे इसने ये स्टे किया यहाँ 35 रुपए के अराउंड, 34 रुपए, 74 रुपए से 35 रुपए यहाँ पे स्टे किया इसने, यहाँ यहाँ कंसोलिडेट करके एक्यूमुलेशन होके फिर यहाँ पे ये इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने हाई किया था 64 रुपए 9 पैसे का, ये हाई था, ठीक है। जो इसका अभी इस वक्त हम समझे, इस वक्त एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री यही है, मैं अगर आप इसमें यहाँ लिख दूं ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री तो सही होगा, ठीक है। इस वक्त अभी ये इसकी ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री लिख देता हूँ, कुछ फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये इस वक्त ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, वीकली पे डेली पे दोनों पे ये इसकी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। और डेली पे देखें, वीकली पे तो नहीं, डेली पे देखें एरिया ऑफ वैल्यू जो है वो 51 to 49 है, डेली पे अगर हम देखें यहाँ पे ये 51 to 49 है, और वीकली पे अगेन वही सपोर्ट यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि इसको ये सस्टेन करें, और हो सकता है ब्रेक भी करें, तो इसके लिए हम एक और चैनल बनाएंगे यहाँ पे डाउन साइड की तरफ। तो मैंने अपर साइड जैसे आपको बताया था कि सिमेट्रिकल बना था, अच्छा कोई भी इस तरह का मतलब पैटर्न फॉर्म हो रहा हो, कोई भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो किसी भी किस्म का हो, ठीक है, चाहे वो राइजिंग वेज हो और फॉलिंग वेज हो या सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो, तो सबसे बेसिक चीज होती है इसका ब्रेकआउट होना और फर्दर अपसाइड। इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर ये मजीद अपसाइड दिखा सकता है, इसी तरह इसने ब्रेक डाउन किया इसका, ठीक है, यहाँ ब्रीच किया इस लेवल को और इसने डाउन साइड की तरफ अपना सफर जारी रखा। अब इस सब सिनेरियो देखे, करंट सिनेरियो मैं आपको बता दूं क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हम जिस तरह हमने यहाँ पे दिखाया था, ये मैंने इसलिए टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो तो मैंने बना के रखा होता, खाली मैं आपको ये जो अभी लेटेस्ट जो है सिचुएशन उसके बारे में बता दूं कि यहाँ पे देखें ये हाई हुआ, फिर ये एक और हाई हुआ, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। और लो भी देखें, हमने ये लो था 35 रुपये, यहाँ से हम फिर एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो इस वक्त वही सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, सिमेट्रिकल से काफी डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इस वक्त देखें तो नीचे की तरफ जो है ये हाई और लो बना रहा है, जो कि अच्छी साइन है। लाइव देखें, अगर ये स्टॉक अगर जिस तरह मैंने आपको बताया ना, जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म होता है कि हाई और लो भी बन रहा हो और लोअर हाई भी बन रहा हो, तो लोअर हाई अच्छी चीज नहीं है, हाई और लो अच्छी चीज है। तो एक अच्छी चीज तो ये है कि हाई और लो बन रहा है, मतलब ये देखें कि इसको ब्रेक ना करे, अगर ये ब्रेक करके ये इस एरिया में आता है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट, लेकिन इसको भी ब्रेक करेगा तो अगेन ये फिर ये आपको वापस 44 रुपए और 39 रुपए और इवन फिर वापस 35 रुपए आपको ये दिखा सकता है ब्रेक होने के बाद। अच्छा, इसकी मैं आपको साथ साथ आपको जो बुक वैल्यू भी, अच्छा ये बहुत से लोग कह रहे थे कि ये 62 रुपए पे इतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्यों है, तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो तकरीबन इतनी ही बनती है, 61 रुपए तकरीबन समझे, 61 रुपए के 51 93 93 पैसे ऐसी कुछ बनती है। तो इसका मैंने आपको जो बेसिक फॉर्मूला, वैसे तो और भी इसमें ऐड होते हैं लेकिन जो बेसिक कोर है वो यही है कि एसेट जो है वो वेल कवर्ड, जो डेट है इसका वेल कवर्ड होना चाहिए बाई एसेट्स। तो एसेट्स जो है इसके ज्यादा है अभी भी और डेट कम है, तो उसको अगर हम डिवाइड करें आउटस्टैंडिंग शेयर जो इसके हैं जो एसेट माइनस करने का, एसेट अगर फॉर सपोज अगर ये सेल होता है और एसेट इसके डिस्पोज होते हैं और डेट क्लियर होता है, तब भी इसकी जो बुक वैल्यू बनती है वो तकरीबन 62 रुपए के अराउंड बनती है। और जैसे ये खबर आई भी, जैसे आपको पता है कि
कि डिस्पोज ऑफ सारे कर रहे हैं अपने सैरले कंपनी कर रही है, आईबीएल कर रहा है, इंटरनेशनल ब्रांड जो है तो वो भी डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अब इस वक्त ये 62 रुपए कर रहा हूँ इसीलिए कि इसकी बुक वैल्यू 62 रुपए ही बनती है, 61 रुपए 93 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे ये मेजर रेजिस्टेंस ये यहाँ पे आ रहा है 62 रुपए कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया ना 62 रुपए 69 पैसे। अभी भी इसने लेटेस्ट हाई जो किया था इस वीक में वो 61 रुपए 29 पैसे है, और कई दफा यहाँ पे 62 रुपए ही कर भी आया है, 62 69 भी आया है। तो ये इसने ये आगे देखें ये 64 रुपए 63 रुपए 64 रुपए यहाँ पर भी आया है, इस ट्रेजेक्टरी में आया है लेकिन इस ट्रेजेक्टरी को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है इस ट्रेजेक्टरी को, ठीक है, 400 जैसे 65 रुपए तक आता है उसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे ये आपको मैंने यहाँ थोड़ा सा हिल गया ये वाला ये जो गैप आया था इसको फिल कर सकता है 72 रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जो स्टॉक है 85 रुपए यहाँ पे जो उसने हाई किया था ये भी आपको दिखा सकता है, ये वाला स्टॉक यहाँ पे ये इसको दिखा सकता है। ठीक है, और मजीद हम इसमें जो है इसको हम देखने के लिए अपसाइड देखने के लिए हम इसमें ये फिबोनाची भी प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम चले हम लाइन नहीं लेते, हम इसी कैंडल से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको लेंगे, इसने हाई किया था यहाँ अभी लेटेस्ट जो किया था 64 रुपये करीब, ठीक है ना, तो हम ये इसको हम चौस ये विक भी ले लेंगे। चले यहाँ पे ये 63 रुपये 80 पैसे कुछ बनती है यहाँ पे ये विक ले लेंगे, और नीचे की भी हम ये विक ले लेंगे 43। ठीक है, ये तकरीबन 63 से 43 के दरमियान आया था ये। ठीक है, और इस वक्त जो है इसने ये 56 रुपए का जैसे मैंने बताया ना ये 56 रुपए 76 पैसे, और वैसे ही जो इसका जो गोल्डन रेशियो बन रहा है वो 56 रुपए का अराउंड बन रहा है। तो 56 रुपए ये इसने ये मेंटेन किया हुआ है, वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो ये इसने मेंटेन किया हुआ है 56 रुपए, ऊपर की साइड पे जाता है 56, वैसे लो भी आता है 54 रुपए के अराउंड यहाँ पे देखें ना, इसलिए मैंने बताया ये ट्रेंड लाइन पे भी आता है और पिविटल ब्रांड को पिविटल पॉइंट को फिर ये क्रॉस भी करता है, ये इसका रेजिस्टेंस नहीं है, इसको ब्रेक करता है फिर वापस ये एक और ये है हायर लो बनाता है ये स्टॉक। ठीक है, तो अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर मजीद अपसाइड जो है फिर ये मैंने आपको बताया जैसे आपको ये 72 रुपए 76 रुपए इवन ये देखे ना गोल्डन रेशियो जो है फिबोनाची का 76 रुपए 51 पैसे यहाँ पर भी दिखा सकता है फिर स्टॉक, जिस तरह मैंने आपको बताया था 85 रुपए फिर इसके अलावा दिए 96 रुपए। ठीक है, क्योंकि जिसमें विक बड़ी बड़ी भी बनती है देखें विक बनी है तो यहाँ पर भी ये आके मतलब 96 रुपए से लेके मैं यहाँ पे भी एक बना देता हूँ ये और एक ये एक मतलब मेजर रेजिस्टेंस होगा 96 रुपए से लेके 102। ठीक, इसको मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये फिर टारगेट्स हो सकते हैं और फर्दर अपसाइड के लिए, ठीक है ना, ये टारगेट फिर आप ये रख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद, अगर ये ब्रेकआउट मिलता है 65 रुपए 61 पैसे का तो फिर जो है ये इसको भी मैं ग्रीन को जो है पर्पल कलर ये अलग ही कलर दे देता हूँ, इसको भी ये टारगेट्स हो सकते हैं। ठीक है, 72 रुपए 52 पैसे 85 रुपए 55 पैसे फिर इसके बाद 96 रुपए 90 पैसे और 1 रुपए 102 रुपए 80 पैसे। ठीक है, इसी तरह अगर डाउन साइड अगर आते हैं तो मैंने वही बताया आपको कि फिर ये जो है आपका ये वाला जो है एरिया 43 का, ठीक है, ब्रेक के बाद ये 43 वापिस आके 43 और इवन जो है अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये एरिया बिटवीन 43 टू 42.50 ये भी आ सकता है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, अगर ये तोड़ता है 42.50 तो फिर अगेन वापस ये 35 34 70 ये इसको रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी तक के लिए इसलिए फिर हम और अभी नीचे नहीं जाएंगे, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम बाद में इसको फिर एनालाइज करेंगे। तो फरहाल अभी तक जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये जो सारी नॉइज है वो क्लियर हो जाए। तो अभी तक के लिए तो ये है कि अभी अच्छा अच्छे मतलब इसने ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है सपोर्ट जो है, तो आप अगर ये ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा केयरफुल रहे, एंट्री ना लें इस एरिया पे जब आता है। ठीक है ना, अगर मैं आपको देखूं डाउन साइड पे 54 रुपए का जो ये 54 रुपए 5 पैसे 54 रुपए ये यहाँ अच्छी इसने सपोर्ट ली हुई थी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पे 54 रुपए 12 पैसे के अराउंड यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बाद वक्त कभी हो सकता है कि ये ब्रेक करता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया था कौसम का कोहिनूर स्पिनिंग का, उसने ब्रेक किया फिर यहाँ से इसने कहीं सपोर्ट ली विक बनी तो फिर ये इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाया, मतलब इसको ब्रेक कर अगर ब्रिज भी हो जाता है तो यहाँ रिस्क लें यहाँ तक के लिए। ठीक है, अगर यहाँ इसको ब्रेक करता है और इस वापिस इधर आ जाए 62 रुपए की तरफ
तो फिर ये अपसाइड वापस, ये मूवमेंट अपनी वापस दिखा सकता है। और हो सकता है कि अगर आपको अच्छी न्यूज आती है इसकी कंपनी के हवाले से, तो इसको ब्रेक करके, जो मैंने आपको दोबारा से बता दो, एरिया मेंशन किए हुए हैं, टारगेट एरिया 72 रुपए 52 पैसे 50 पैसे, 85 रुपए 50 पैसे, 96 रुपए 90 पैसे और 102 रुपए 80 पैसे, ये दिखा सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।